जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप सभी मायूस और दुखी हो गए होंगे क्योंकि एग्जाम में इतना देर हो रहा है कि पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, खाने के लाले पड़े हैं और उम्र पर उम्र बीतती जा रही है। सब कुछ समय से हो रहा है, चुनाव पूरी तरीके से समय से हो रहा है, लेकिन हमारे एग्जाम का कोई कैलेंडर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज का एक हद होता है और वो समय सीमा हद से पार कर रहा है। इसलिए मेरे बहादुरों, शिक्षकों के मेल मिलाव से और विद्यार्थियों के सहयोग से इस बार डिजिटल महा आंदोलन का बीड़ा उठाया जा रहा है। सभी विद्यार्थी तैयार रहें, निश्चित रूप से इस बार आर पार की लड़ाई होगी। जब तक कि संपूर्ण कैलेंडर ना दिया जाए, वैकेंसी जारी करने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने तक, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, निश्चित रूप से जारी रहेगा। तब तक सभी विद्यार्थी वीडियो और मीम जिसमें पॉजिटिव लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाए, ये ध्यान रखना है। आप आपस में शेयर करते रहें, वीडियो बना के अपने दुख अपनी वेदना को भी शेयर करते रहें, एक दूसरे को जागृति करते रहें और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। सारे टीचर लगातार आप सभी के लिए लगे हुए हैं और वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक कर रहे हैं। मेरे बहादुरों, इस बार तो जागना ही होगा। डिजिटल महा आंदोलन, बहुत हुआ इंतजार, अब होगा आर पार। इसी दिन यानी 1 दिसंबर 2020 को घोषणा किया गया था आंदोलन के दौरान ही कि अब रेगुलर वे में एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम ले लिया जाएगा। एक साल हो रहा है तो उसी दिन हम लोग प्रोटेस्ट शुरू करने वाले हैं। 1 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 11 AM से लेके लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड करवाना है मेरे शेर बहादुरों। इसके लिए आप सभी का सहयोग सर्वोपरि है। सभी बच्चे ट्विटर से जुड़ जाएंगे, अकाउंट बना लेंगे और रेगुलर उस दिन तैयार रहेंगे। सभी टीचर भी आपके साथ है, करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सब कुछ आगे बढ़ते जा रहा है। सरकारें कह रही है कि रोजगार बढ़ती जा रही है, बहुत सारे रोजगार है, पकौड़ा तलो पकौड़ा बेचो, लेकिन ठीक है, उस क्षेत्र में करने वाले तो कर ही रहे हैं रोजगार। हम लोग पढ़ भी तो रहे हैं ना, तो पढ़ने वाले का समय सीमा क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। यदि आपके पास वैसे कर्मचारी नहीं है तो आप मठुआ कर्मचारी आपके पास है तो उसको बहाली करिए, जो काम फटाफट करे। ऑनलाइन एग्जाम में तो आप चाहेंगे तो 6 मंथ में सब कुछ आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। होना चाहिए मेरे बहादुरों, ये हमारे हक की लड़ाई है। सरकार में आप जो भी बैठे हुए हैं, आप सभी से प्रार्थना है, विशेष निवेदन है कि प्लीज गरीबों के हक को नहीं मारे। आप सब कुछ समय से करवा रहे हैं तो एग्जाम भी टाइम टू टाइम आप करवा सकते हैं, इतनी तो है। आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं 9th 10th के विद्यार्थियों से, उनको क्या चिंता है। आप यदि आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप इतने सारे मन की बात किए हैं, यदि ये वीडियो आप तक पहुंच पाए, सभी विद्यार्थी जम के शेयर करें, तो विशेष प्रार्थना है कि आप एक बार मन की बात या परीक्षा पर चर्चा विद्यार्थियों के साथ जो जनरल कमीशन की तैयारी करते हैं उनसे आप करके देख लीजिए। आपके आंखों में इतने आंसू, आंखों से क्या ठेवना से भी आंसू गिरने लगेंगे, इतने दुखी और पीड़ित हो गए हैं विद्यार्थी। कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ऐसी स्थिति आ गया कि सुसाइड कर लें। सो प्लीज आप बर्दाश्त की हद को ना पार करवाएं, परीक्षा ना लें, सब्र का परीक्षा ना लें। जल्द से जल्द ये सभी चीज आप जारी करिए। हम लोग का मांग है कि संपूर्ण कैलेंडर सभी एग्जाम का, सिर्फ रेलवे का ही नहीं, सभी एग्जाम का संपूर्ण कैलेंडर जारी किया जाए। बस एक ही मांग है, संपूर्ण कैलेंडर जारी किया जाए सभी एग्जाम का। एनटीपीसी का जो सीबीटी वन है उसका रिजल्ट आप कब दीजिएगा, फिर सीबीटी टू का एग्जाम कब लीजिएगा, उसका रिजल्ट कब दीजिएगा, फिर फाइनली कब दीजिएगा, ग्रुप डी का, एसएससी का, जितना भी एग्जाम है सभी का कैलेंडर जारी करिए, तभी शांत बैठने वाले हैं। नहीं तो ये डिजिटल महाआंदोलन जो शांत पूर्वक हो रहा है, हो सकता है आगे चल के फिजिकल में परिवर्तित हो जाए, तो मजबूर ना करें। ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी एजुकेशन को भी किसान के तरह धरना पर बैठना पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। यह आप सभी सरकार में बैठे हुए राजसाहों से प्रार्थना है और निवेदन भी है और सभी विद्यार्थियों से
अपील है कि अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, हक से छीनना होगा। अब इसमें हार होगी या जीत होगी ये तो हम सभी नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी पूरे ताकत के आप सभी के साथ हैं। सभी टीचर आ रहे हैं साथ, सभी विद्यार्थी भी आएँ, अपने दुख वाला वीडियो, परेशानी वाला वीडियो बना के एक दूसरे के साथ शेयर करें, मीम बना के एक दूसरे के साथ शेयर करें, लगातार बने रहें। आपको 30 दिसंबर शाम को सभी टीचर आपको टैग बता देंगे कि कहां पे ट्यूट करना है और रीट्यूट करना है। तो सभी बच्चे तैयार रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।